अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी। टॉपिक है जी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप यानी कि फरार हो जाना, बाहर निकल जाना। ठीक है भाई, किस चीज़ को फरार होने की ज़रूरत है भाई? कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, जिसको हमने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना हो, स्पेस में ले जाना हो, तो उसको जो हम वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं बच्चों एस्केप वेलोसिटी, फरार होने की वेलोसिटी। कोई स्पेस क्राफ्ट हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन से बाहर निकालना है, तो उसको जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है टू एस्केप आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, उससे हम क्या कहते हैं एस्केप वेलोसिटी या फरार वेलोसिटी। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी क्या है जी? द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ऑब्जेक्ट सो डैट इट मे एस्केप आउट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। भाई किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद करवा देना क्या कहलाता है? एस्केप वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हमने उस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। ठीक है, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ऑब्जेक्ट सो डैट इट मे एस्केप आउट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। फार्मूला क्या है जी? वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं। और या हम इसे लिख सकते हैं, ये भी बताऊंगा कैसे आता है, अंडर रूट 2 कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ अर्थ, 6.0 मल्टीप्लाई 10^24 केजी। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10^6 मीटर। अब स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। सपोज करें ये हमारी अर्थ है। अब भाई ये टू डायमेंशनल बोर्ड है, तो फिलहाल आपको ये सर्कल नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जबकि अर्थ एक स्फीयर की फॉर्म में। ओके, तो देखें, आप सपोज करें एक बॉल है जी मेरे पास, मैं उस बॉल को उछालता हूँ। अगर मैं उसको ऐसे ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो वो बॉल ऊपर जाएगी, किसी ना किसी हाइट बाद वो वापस नीचे आ जाएगी, और ज़ोर से फेंकूँगा और ऊपर जाएगी वापस आ जाएगी। कहूँ भाई मैं इसको गन से फायर करूँगा, हो सकता है और ऊपर जाए फिर वापस आ जाए। मैं कहूँ नहीं मैं इसको किसी रॉकेट लॉन्चर से फायर करूँगा, हो सकता है एक हाइट तक जाए फिर वापस आ जाए। फिर मैं कहता हूँ मैं इसको कोई ऐसी वेलोसिटी दूंगा कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन से बाहर निकल जाएगी, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये देखें डायग्राम मैंने बनाया कि एक बॉल को फेंकें तो एक हाइट तक जाएगी फिर वापस आ जाएगी, और ज़ोर से फेंकेंगे हाइट तक जाएगी फिर वापस आ जाएगी। बट अगर इस ऑब्जेक्ट को या इस बॉल को हम अर्थ की सरफेस से ऐसे पॉइंट पर भेजें जो इन्फिनिटी पर हो और वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना हो, एफजी ज़ीरो हो, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से बाहर चला जाए, तो उस रीजन तक इन्फिनिटी तक हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है। कहाँ से? सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी तक। तो दो चीज़ों की बात हो रही है, इनिशियल जो हमारा पॉइंट है वो है सरफेस ऑफ अर्थ, और फाइनल पॉइंट कौन सा? इन्फिनिटी पॉइंट, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमने डिटेल में पढ़ा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में कि क्या होती है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ या एट सरफेस ऑफ अर्थ, यू जी इज इक्वल टू -gmm ओवर आर। ठीक है, स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर पुट कर देते थे जब हम बात करते थे एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये लेट्स से एक बॉडी है जिसका मास m है, उसकी सरफेस ऑफ अर्थ पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -gmm ओवर आर। बट हमने इसको उठाकर कहाँ लेकर जाना है? इन्फिनिटी पर। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ से हम कहाँ जा रहे हैं? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर तो भाई कोई ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं होगी, जब ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो होगी, जब फोर्स ज़ीरो होगी तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? ज़ीरो होगी। तो एट इन्फिनिटी याद रखिएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ज़ीरो। दोबारा सुन लें कि हमने उस ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से कहाँ लेकर जाना है? इन्फिनिटी तक। सरफेस ऑफ अर्थ पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है -gmm ओवर आर। इन्फिनिटी पर जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो है ज़ीरो। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये बच्चों हमारा फाइनल पॉइंट है। तो चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मैंने इधर लिखा है AP.E, आपने पूरा लिखना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा A डॉट
पी डॉट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल कितनी थी जी, एनर्जी जीरो, और इनिशियल कितनी थी, माइनस जी एम एम ओवर आर। तो एक माइनस फार्मूले का, एक माइनस जो है वो हमारी इनिशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। तो फाइनल तो थी कितनी, जीरो, फार्मूला का माइनस और ये इसका इनिशियल पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का माइनस। तो माइनस माइनस प्लस जी एम एम ओवर आर। तो चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ गया जी एम एम ओवर आर। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को यूज़ करना है। चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्रोवाइडेड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट को दी ताकि वो अर्थ की फील्ड से एस्केप आउट हो जाए, वो किसके बराबर है, चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी। तो सिंपली क्या करना है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, जी एम एम ओवर आर पुट कर दिया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। अब काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों 1/2 mv². अब यहाँ एस्केप वेलोसिटी है तो मैंने वी के साथ लिख दिया वी एस्केप, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, यहाँ रह गया जी हमारे पास जी एम ओवर आर इज इक्वल टू 1/2 vs² 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो बनेगा 2 gm ओवर आर इज इक्वल टू vs² स्केयर रूट अप्लाई करें दोनों तरफ तो वी एस्केप आ जाएगा अंडर रूट 2 gm ओवर R। अब स्टूडेंट्स एट सरफेस ऑफ अर्थ जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर होती है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के। सो जो भी हमारे पास एम मैस का ऑब्जेक्ट होगा उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी कितनी होगी उसके वेट के बराबर, एम जी। तो एफ जी होता है जी एम एम ओवर आर स्केयर, ये है एम जी, एम से एम अगेन कैंसल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया बच्चों जी एम ओवर आर स्केयर, या मैं से लिख सकता हूँ आर डॉट आर। एक आर को मैंने इस जी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो बन गया जी आर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर। सो इस इक्वेशन को याद रखना है कि जी आर किसके बराबर है, जी एम ओवर आर। तो भाई यहाँ देखें ये हमने टर्म अभी लिखी हुई है जी एम ओवर आर, इस फैक्टर की जगह हम ये वाला फैक्टर रिप्लेस कर रहे हैं तो वी एस्केप बन जाएगा अंडर रूट 2 एज इट इज़, और इसकी जगह आ जाएगा जी इंटू आर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी मैंने, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 m/s की, रेडियस ऑफ अर्थ की आ गई जी 6.4 × 10⁶ m, स्क्वायर रूट को सॉल्व किया, आंसर आया वी एस्केप का 11.2 × 10⁻³ m/s। 10⁻³ प्रीफिक्सेस है, किलो लिख लिया तो वी एस्केप आ गया 11.2 km/s फॉर अर्थ। ये याद रखना है, पेपर में अक्सर MCQs आता है कि एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए कितनी है, 11.2 km/s। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें से मैंने कुछ वैल्यू लिखी हैं, कुछ और लिखी हुई हैं, मार्क कर लें, MCQs में आती हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो मून के लिए है वो है 2.4 km/s। मून के लिए कितनी है, अर्थ से कम है, ठीक है 2.4 km/s, क्योंकि मून पे ग्रेविटी भी कम होती है। अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है हमारे पास कितनी है, 9.8 m/s², मून की है 1.6 m/s², जबकि जुपिटर पर ज़्यादा है। तो जुपिटर पे एस्केप वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 61 km/s। फिर चैप्टर नंबर 5 एंगुलर मोशन में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है बच्चों, इतना याद रखिएगा, अंडर रूट जी आर, और एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 gr। तो अक्सर पेपर में रेशो आती है, या तो रेशो आती है एस्केप वेलोसिटी ओवर ऑर्बिटल वेलोसिटी, या आती है ऑर्बिटल ओवर एस्केप। तो मैंने लिखा है एस्केप वेलोसिटी ओवर ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप थी अंडर रूट 2 gr और ऑर्बिटल थी अंडर रूट जी आर। अंडर रूट जी आर कैंसल, अंडर रूट 2 रह गया डिवाइडेड बाय 1। तो वी एस्केप ओवर वी ऑर्बिटल अंडर रूट 2/1, या वी ऑर्बिटल ओवर वी एस्केप 1:√2। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।